हत्या की घटना का सफल अनावरण। पुलिस मुठभेड़ में हत्या आरोपी अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। बीते दिनों थाना अजनर क्षेत्र के अंतर्गत युवक की गोली मारकर हत्या की दुस्साहसिक घटना को अंजाम देने वाले तीन छात्र वांछित अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, मोटरसाइकिल सहित अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद। थाना अजनर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम इंद्रहटा के पास दिनांक 18/8/2024 को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अभियुक्तों द्वारा मुकेश पाल पुत्र रघुवीर पाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम भटगोरा थाना खरगापुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्राप्त सूचना के पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा पुलिस उच्च अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई और घटना पर वादिया श्रीमती भारती पाल पत्नी श्री विशाल पाल उम्र करीब 25 वर्ष निवासी बटकोरा थाना खरगापुर जनपद टीकमगढ़ मध्य प्रदेश द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना अजरा में मुकदमा अपराध संख्या 167/2024 धारा 103(1)(BNS) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। 18 अगस्त की शाम को महोबा से ब्यूरो रिपोर्ट। मुकेश पाल जो कि टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का निवासी था, ये महोबा आया हुआ था और जब ये अपनी बाइक पे जा रहा था तो रास्ते में इसकी हत्या कर दी गई थी। इस तरह से एक दुस्साहसिक हरकत यहाँ पर हुई थी जिसके ऊपर सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत की गई थी। इसमें कई टीमों का गठन किया गया था, सर्वेलेंस और स्वाट की टीमें, साथ ही मैनुअल मुखबिरी, हर तरह के प्रयास इसमें किए जा रहे थे। इसी में जो है एक सूचना मुखबिर द्वारा दी गई कि तीन लड़के हैं जिन्होंने संभवतः हो सकता है इस घटना को कारित किया हो और वे एक जगह सियावन में जा रहे हैं, अगर आप इनको कैप्चर करें तो हो सकता है कि इस घटना का सफल अनावरण हो पाए। इस तरह की सूचना पे पुलिस जब पहुंची और इनको रोकने के लिए कहा गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर किया जिसमें जवाबी आत्मरक्षा फायर पुलिस द्वारा किया गया जिसमें से एक को गोली लगी और इनकी बाइक भी गिर गई, ये लोग भी गिर गए। इनको जो है कैप्चर किया गया, इनके पास से एक अदद तमंचा मिला है 12 बोर का, साथ ही इसके यूज और अनयूज कारतूस मिले हैं। इसी तरह से 315 बोर का एक तमंचा इनके पास मिला और उसके भी कारतूस मिले। इनके पास एक बैग था जिसमें इन्होंने उस दिन के पहने हुए कपड़े रखे हुए थे जिसके ऊपर खून के छींटे भी हैं और इनके पास से जो मोटरसाइकिल यूज हुई थी वो भी इनके पास से रिकवर हुई है। जब इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने इसमें जो व्यक्ति घायल हुआ था पुष्पेंद्र उसका नाम है और ये मंगलौर खुर्द थाना कुलपहाड़ का रहने वाला है। इसको उपचार हेतु हॉस्पिटल में भेजा गया जहां उसका उपचार कराया गया। इसके साथ ही जो एक राहुल नाम का व्यक्ति इसमें अरेस्ट हुआ है जो कि बुधवारा थाना कुलपहाड़ का निवासी है, अजय उर्फ अज्जू ये भी मंगलौर खुद थाना कुलपहाड़ का निवासी है। इस तरह से तीन लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं। इनसे जब बातचीत हुई तो इन्होंने बताया कि 18 की शाम को वे भी उसी रास्ते से जा रहे थे और वहां से आने वाले व्यक्ति से उनकी मोटरसाइकिल हल्की सी टकरा गई थी जिसपे इनका हल्का सा वाद विवाद हो गया था। आगे बढ़ने पर इनको फिर वही व्यक्ति मिला था और वो इनको ऐसा आभास हुआ कि शायद उसने कोई गाली दी है। इस बात पे आक्रोशित हो गए, इन्होंने उसकी मोटरसाइकिल रोककर उससे पूछा कि गाली क्यों दी है और अचानक ही वाद विवाद होते हुए इन्होंने उस पर फायर कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी इस तरह से। और इसके बाद ये जो है जाके छुप के बैठ गए थे, पुलिस ने इनको सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया है और जब ये पकड़े गए हैं तब ये जो उस समय इन्होंने कपड़े पहने हुए थे जो इनके पास अन्य साक्ष्य थे उनको मिटाने की नीयत से ही निकले हुए थे, वो सब चीजें इनके पास से रिकवर हुई हैं। इसके ऊपर उचित वैधानिक कार्रवाई करते हुए इनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेजा।